हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, आज एक ऐसे कमाल का टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। होता क्या है कि हर किसी को आजकल चार्जिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आजकल हर कोई एंड्रॉइड फोन यूज करना चाहता है और हर कोई एंड्रॉइड फोन यूज करता है, और वो भी बड़ा डिस्प्ले में ज्यादातर यूज होता है। तो होता क्या है, या बहुत सारा आजकल लोग अपने फोन में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन कराते रहते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो बैटरी परसेंटेज होता है, ऑटोमेटिक वो डाउनलोड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। भले हम फुल करके चार्ज भी रख देते हैं तो ऑटोमेटिक होता है 2 घंटे 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, मैं उसी को देखते हुए मैं आपको एक ऐसे कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके मदद से आप आसानी से अपने फोन को बहुत ही फास्ट चार्ज, जैसे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग जो दिया हुआ है, अगर आप कोई भी फोन एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आसानी से आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके पास जो बैटरी बैकअप होगा वो आपका काफी ज्यादा एक्सटेंड करने वाला है। ठीक है, तो करना क्या, आपको वीडियो को बस पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जाकर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि नाइस ट्रिक या अमेजिंग ट्रिक। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड, सबसे पहले करना क्या, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे डालना है फास्ट चार्जर। ठीक है ना, आप बोलेंगे कि अब फास्ट चार्जर से मेरा फोन चार्ज कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो मैं ये लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कैसे वो वर्क करता है और कितना बेहतरीन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है फास्ट चार्जिंग का जो एप्लीकेशन है, इसको करना क्या, आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका रेटिंग है जो काफी कमाल का है, और इसका जो कमेंट्स है काफी कमाल का है, और पर्सनली मैं इसको यूज भी किया हूँ 1 से 2 दिन के करीब। ठीक है, तो मेरा जो चार्जिंग का जो बैकअप था वो काफी कमाल का हो गया, एक्सटेंड हो गया था, वो काफी कमाल का बैकअप हो गया था। अगर आप कंटिन्यू भी पबजी खेलोगे आप तो समझो कि आपको 1 से 2% गिरने वाला है, अगर आप 1 घंटा कंटिन्यू पबजी खेलते हैं या 2 घंटा पबजी खेलते हैं। तो फ्रेंड, इस ट्रिक में आपको बैटरी बैकअप का जो प्रॉब्लम होता है वो सारा मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हैं कि हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है डाउनलोडिंग, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ फास्ट चार्जिंग आएगा, उसके पास यहाँ पे मॉडिफाई का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको यहाँ पे क्लिक करके इनेबल कर लेंगे। ठीक है, उसके पास यहाँ पे आपको फिर बैक चले जाना है, फिर यहाँ पे ऑल फीचर्स को आपको यूज करने के लिए इस एप्लीकेशन का आपको यहाँ से इनेबल दे देना है, और ऑटो रन का जो ऑटो स्टार्ट का जो ऑप्शन होता है यहाँ फास्ट चार्जर का, इसको आपको इनेबल कर देंगे। ठीक है, इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से बैक चले जाना है। अब यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा जो 60 यहाँ पे परसेंटेज जो होगा चार्जिंग का यहाँ पे दिखा देगा, और ऊपर में देख सकते हैं जो फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, इसका मतलब कि आप इस एप्लीकेशन के जरिए आप आसानी से अपने मोबाइल को, कोई भी मोबाइल यूज करते हो तो उसको फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम लिमिट दिखा देगा कि हमारा फोन कितना देर चलने वाला है। और मेन बात यह है कि अगर आप समझ लीजिए कि आपका अगर जो भी आवर्स दिखाया गया यहाँ पे यूज करने के लिए, तो आप यहाँ पे जब भी आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में जितना भी एप्लीकेशन रन करेगा, जो एप्लीकेशन भी 1%, 2% या 5% यूज करता होगा, तो वो एप्लीकेशन वहां से डिसेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपका जो बैटरी का पावर होगा ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जो टाइम लिमिट होगा ऑटोमेटिक वहां से इंक्रीज कर जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे 16 आवर्स है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ऑप्टिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे जो भी मेरा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करता होगा वहां से ये डिटेक्ट करेगा और उस चीज को यहाँ से बंद कर देगा। बंद करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे मिनट हमारा इंक्रीज्ड हो गया, जैसे देख सकते हैं कि 17 आवर मेरा बैटरी बैकअप ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। और बात करूँ चार्जिंग का फ्रेंड, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ कि कैसे ये फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सब चीज लगाने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, फोन को अपने फोन में अपना चार्जिंग पोर्ट को लगाना है। ठीक है, जैसे फ्रेंड आप चार्जिंग को लगाओगे अपने फोन के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन पॉपअप करेगा कि प्लीज सिलेक्ट हाउ टू कनेक्ट। ठीक है, कि आप नॉर्मल चार्जिंग करना चाहते हैं या फिर क्विक चार्जिंग करना चाहते हैं। अगर आप जल्दी से चार्ज करना चाहते हैं अपने फोन को या फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपली क्विक चार्जिंग पे आपको टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ दिखा देगा कि आपको 30 मिनट के अंदर आपका जो बैटरी होगा ऑटोमेटिक ये फुल हो जाएगा, यानी समझ लीजिए कि कंप्लीट चार्ज आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आप वेट कर लीजिए और देख लीजिए कि आप जैसे 66% यहाँ पे अभी चार्ज है, तो देख सकते हैं कि देखते देखते हमारा होगा जो 77% चार्ज हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कितने सेकंड के अंदर हमारा है जो 1% बढ़ जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा 1% बहुत जल्दी बढ़ गया, लगभग 20 से 25 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने फोन में फास्ट चार्जिंग यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट आपको मिलता रहे। ओके, बाय, टेक केयर।